जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक बार हम रिवीजन क्लास के तौर पे देखते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी के सारे वो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सवाल में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट है। तो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे, रिविज़न करते हुए चलेंगे, आसान से शब्दों में समझते हुए चलेंगे। ओके, तो पहला सवाल है आपसे दोस्तों शैक्षिक तकनीकी के अर्थ के बारे में। अक्सर सवाल आपसे पूछ लेता है कि शिक्षा तकनीकी से क्या समझते हैं आप, शिक्षा तकनीकी का अर्थ बताइए, शैक्षिक तकनीकी के परिभाषा बताइए। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछता है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन सा, एजुकेशन, दूसरा टेक्नोलॉजी। आसान से शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, या फिर ये कह लीजिए जब कोई भी शिक्षण व्यवस्था अपनी पूरी शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों साधनों का इस्तेमाल करके अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है, शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। एक वर्ड में शिक्षा प्लस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, शिक्षा प्लस तकनीक इज इक्वल टू शैक्षिक तकनीक। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ठीक है, मोबाइल का इस्तेमाल, टेलीविजन का, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों, एक उदाहरण है शैक्षिक तकनीकी की। शिक्षा तकनीकी में न केवल ये तकनीकें, इसके अलावा मनोवैज्ञानिक विज्ञान भी इस्तेमाल किया जाता है आजकल। जैसे कि बच्चों को तारीफ करना है, बच्चों को फीडबैक देना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, करके सीखना है प्रयास, तो तमाम तरीके के सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिक है वो भी इस्तेमाल किया जाता है शैक्षिक तकनीकी में। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है दोस्तों शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा, तो देख लेते हैं शैक्षिक तकनीकी क्या है। बहुत ही आसान से परिभाषा है, एक बार फिर से मैं कह दूँ मेरा फेवरेट है कौन सा, मेरा फेवरेट है कनिंगम का परिभाषा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि नहीं किया। चलिए शैक्षिक तकनीकी की एक परिभाषा यहाँ पे देख लीजिए, शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा, ओके सॉरी, हाँ चलिए। डॉक्टर एस कुलकर्णी ने कहा था कि शैक्षिक तकनीकी उन सभी प्रणालियों, विधियों एवं माध्यमों का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, ये हो गई शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा। बी एफ स्किनर ने कहा था शैक्षिक तकनीकी वह शास्त्र है जो परीक्षा को प्रभावशीलता में वृद्धि करता है तथा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को अपेक्षाकृत समुन्नत बनाता है। कहने का मतलब ये क्या है भाई, यह एक शास्त्र है, एक हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, एक उपकरण है जो समस्त शैक्षिक प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। JPDC को के अनुसार शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक शिक्षण समस्याओं में अधिगम मनोविज्ञान के विस्तृत प्रयोग का एक स्वरूप है। अब यहाँ पे दो चीज़ समझिएगा, जब भी शैक्षिक तकनीकी की बात की जाती है तो हमें लगता है कि ये जैसे मोबाइल डिवाइस इन्हीं सब का इस्तेमाल, इसके अलावा मनोविज्ञानिक ज्ञान का भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस चीज़ को हमें याद रखना है। अगला सवाल आता है भाई शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं बताइए। आप टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में तो क्या हो सकता है, क्या वो आसान नहीं हो जाएगा, क्या वो दोस्तों साफ सुथरा स्पष्ट हो जाएगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा, वस्तुनिष्ठ समझने योग्य बन जाएगा, प्रभावशाली बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य हैं कि हम क्यों शैक्षिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान का संचय एवं प्रसार करना। आप चाहे तो इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मतलब संचय कर सकते हैं और प्रसार भी कर सकते हैं, तो ये भी एक क्या है उद्देश्य है। कर दीजिएगा लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और आप तो देख रहे हैं कि आपके एग्जाम्स के अनुभव के आधार पर कितने हेल्पफुल रहते हैं ये वीडियो, तो लास्ट समय में अगर आपके दोस्त के पास चला जाएगा तो कितना ज़्यादा उनके लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा की सुधार लाना, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप वर्बली नहीं पढ़ा सकते तो आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारे उद्देश्य हैं, क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है या फिर आप लिख लेंगे। छात्रों के गुणों, क्षमताओं, उपलब्धियों, कौशलों का विश्लेषण करना, उद्देश्य निर्धारित करना, उनकी योग्यता क्षमता में वृद्धि करना, दीज ऑल आर द पॉइंट दैट कम्स अंडर द एम्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, शैक्षिक तकनीकी के उपागम मैं फिर से कह देता हूँ, और जब भी मैं ये कहता हूँ कि सवाल आएगा टचवुड वो सवाल आते हैं, तो शैक्षिक तकनीकी के उपागम कठोर, कोमल और प्रणाली, इन तीनों को समझ जाइए। कल आपका एक सवाल इससे आ रहा है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो शैक्षिक तकनीकी में अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, वो कठोर प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, इन सब का आविष्कार किसने किया, इन सब का आविष्कार किसी इंजीनियर या किसी साइंटिस्ट ने किया होगा। ये सब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, फिजिकल साइंस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो कठोर उपागम का मतलब ये हो गया कि वह उपकरण या वह तकनीकी जिसका हम
जिसको हम स्पष्ट रूप से छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कठोर उपागम के अंतर्गत आते हैं। इसका आधार दोस्तों अभियंत्री होता है, मतलब इंजीनियरिंग होता है, और फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान होता है। दूसरा दोस्तों कोमल उपागम। कोमल उपागम क्या है? अब आप कहोगे सर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको हम छू नहीं सकते, मतलब मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं किसी को इनाम दे रहा हूँ, मैं किसी को मोटिवेट करके पढ़ा रहा हूँ, वास्तव में ये भी तो एक विज्ञान है, लेकिन इसको तारीफ करना हम समझ सकते हैं, भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू तारीफ कोई हार्डवेयर का डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कोमल उपागम के अंतर्गत आता है। हार्डवेयर अप्रोचेस यानी कि कठोर उपागम के अंतर्गत अभियंत्री और वैज्ञानिक भौतिकी वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कोमल के अंतर्गत मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान का भी इस्तेमाल किया जाता है, मनोविज्ञान खासतौर पर अधिगम का मनोविज्ञान, सीखने के लिए मनोविज्ञान जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है दोस्तों प्रणाड़ी उपागम। प्रणाड़ी उपागम वास्तव में इन दोनों के बीच की कड़ी होती है जो जोरों को जोड़ के चलती है। प्रणाड़ी उपागम को सिस्टम अप्रोच कहते हैं। सिस्टम अप्रोच आपके स्कूल के सिस्टम पर भी काम करता है कि मैनेजमेंट के कि में क्या टेक्नोलॉजी आई, जैसे इवैल्यूएशन हो गया, कॉपी चेक करना हो गया, अटेंडेंस मार्क करना, इन तरीके की चीज़ों में प्रणाड़ी उपागम का इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, दोनों के बीच की कड़ी है। आप आराम से इसको लिखते हुए चलेंगे, हो सकता है आपसे इसका अंतर भी पूछ ले कठोर और कोमल उपागम में। तो शैक्षिक तकनीकी की इसको प्रथम उपागम भी कहते हैं दोस्तों, इसको मशीन उपागम के नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म भौतिकी और अभियांत्रिकी योग से हुआ है, ठीक है। जितने भी उपकरण या मशीनें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिनका शिक्षा की सामग्री में प्रयोग किया जाता है, वे सभी इसी वर्ग के आते हैं। इनको कठोर शिल्प कहा जाता है, सिल्वर मैन ने इन्हें सापेक्षिक तकनीकी भी कहा, एग्जांपल रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें हो गई कठोर उपागम। कोमल उपागम का मतलब दोस्तों ये द्वितीय उपागम कहते हैं इसको, शैक्षिक तकनीकी उपागम, इसमें सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और खास तौर पे अधिगम का मनोविज्ञान के आधार पे खड़ा होता है। मेल्टन जी के अनुसार यह तकनीकी इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम को मनोविज्ञान के अनुरूप अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में हर प्रकार के स्थायी परिवर्तन जिसमें बच्चे का स्कूली अनुभव आदि सम्मिलित हैं को अंतर्हित करता है, कह रहे हैं मतलब हर एक प्रकार के अनुभव को शामिल करता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शामिल करते हैं। बात सिंपल सी बात की है। अब देखिए तकनीकी मशीन उपकरण रेडियो इतना जो कठोर उपागम है, इनके मध्य में प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री। अब इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप मशीनों से पढ़ा रहे हैं तो उसके बीच में आपको कैसे पढ़ाना है, शिक्षण विधि भी लाना है, कौन से मेथड से पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो कोमल उपागम का मतलब दोस्तों वह उपागम जिसमें सामाजिक मनोविज्ञान और खासतौर पर अधिगम मुख्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, इसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये क्या होता है शिक्षा में सहायक होता है। चलिए प्रणाड़ी उपागम को मैंने छोड़ दिया है क्या, नहीं यहाँ पे तो है प्रणाड़ी उपागम। अच्छा प्रणाड़ी उपागम मतलब इसके अंतर्गत दोस्तों शैक्षिक प्रशासन संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण किया जाता है और प्रभावशाली संतुलित समाधान निकाला जाता है। इसके द्वारा शिक्षा में नियोजन, संगठन, संचालन और मूल्यांकन करने के बहुत सहायता मिलती है। शिक्षा प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है कि कोई ना कोई शैक्षिक तकनीकी अवश्य होनी चाहिए जो कठोर और कोमल उपागम को संतुलन और समन्वय रखे, और ये क्या करता है, ये वही काम करता है दोनों के बीच में एक संतुलन बनाए रखता है। अब आइए अतः शैक्षिक तकनीकी के प्रणाली उपागम इस कार्य को पूरा करते हैं। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक साधनों के अपव्यय को रोकते हुए सीमित साधनों के प्रयोग से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक करते हैं। प्रणाली उपागम दो प्रकार के होते हैं, कठोर सामग्री, कोमल सामग्री, मतलब इन दोनों का इस्तेमाल करके दोस्तों जो सिस्टम बनाया जाता है उसे हम प्रणाली उपागम कहते हैं। यहाँ तक आपने क्या सोचा, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का इस्तेमाल शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ये तीन प्रकार के नहीं, ये इसके तीन उपागम होते हैं, कोमल कठोर और प्रणाली उपागम। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब आइए एक आता है दोस्तों शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, इसको समझते हुए चलेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके तीन प्रकार के दोस्तों चार प्रकार हैं शैक्षिक तकनीकी के, चार प्रकार हैं। एक प्रकार यहाँ पे नहीं दिया है तो वहाँ पे भी हम लिख लेंगे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। यहाँ पे शैक्षिक रूपरेखा, अनुदेशन रूपरेखा, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। पहला दोस्तों व्यवहार तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी व्यवहार। दूसरा अनुदेशन तकनीकी। तीसरा शिक्षण तकनीकी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए शिक्षण तकनीकी तो बहुत बार पूछता है और पूछेगा भी। व्यवहार तकनीकी का क्या मतलब हुआ भैया? व्यवहार तकनीकी का मतलब दोस्तों, व्यवहार तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का महत्वपूर्ण अंग है। इस बात पर बल देता है कि अधिगम तथा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन हो सके। अब जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली को सिखाया था, उन्होंने साइंस इस्तेमाल करी थी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इस्तेमाल किया था थॉर्नडाइक ने बिल्ली का।
तो वास्तव में बिल्ली को उन्होंने कोई लेसन नहीं दिया था, एक ऐसी सर्कमस्टांस उन्होंने क्रिएट करी थी, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया था जिसके बाद वो बिल्ली सीख गई थी कि कैसे पिंजड़े को खोल के मछली का टुकड़ा लेना है। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, तो व्यवहार तकनीकी वास्तव में दोस्तों ऐसी शिक्षण प्रक्रिया की बात करता है या ऐसी तकनीकी की बात करता है जिसमें बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि आपको रट के सिखा रहे हैं, नहीं, ऐसी जैसे प्रोजेक्ट मेथड, आपने प्रोजेक्ट करा दिया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन, तो इस तरीके से आप शिक्षण करिए, इस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करिए जिससे बच्चों के अंदर व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। व्यवहार तकनीकी व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। व्यवहार तकनीकी ही अधिगम प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम के रूप में जाना जाता है। ये व्यवहार तकनीकी बात ये हो गई, ठीक है। बीएफ स्किनर ने व्यवहार तकनीकी को विकसित करने में विशेष योगदान दिया। स्किनर ने अधिगम संबंधित सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत प्रतिपादित किया और प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो बस कहने का मतलब यह है, आप इसको आराम से व्यवहार तकनीकी को लिखिए, ठीक है। ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आप यहां से लिख सकते हैं जरूर लिखिएगा। दूसरा दोस्तों, व्यवहार तकनीकी कुछ अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं मतलब कुछ कॉन्सेप्ट है। पहला दोस्तों, इसके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए और ये सामाजिक और मनोविज्ञानी के आधार पर होता है। व्यवहार का अवलोकन योग्य होता है, बच्चों का जो परिवर्तन हुआ आप उसे देख सकते हैं। सापेक्षिक होता है, मतलब साथ साथ जुड़ा हुआ होता है। व्यवहार मापनीय भी होता है, शिक्षा व्यवहार संशोधन योग्य होता है। और केवल जन्मजात ही नहीं, उन्हें तैयार भी किया जाता है। शिक्षक केवल जन्मजात ही नहीं, तैयार भी किया जा सकता है। जो भी टीचर होने केवल जन्मजात ही नहीं, तैयार किया जा सकता है। चलिए, ये हो गई बात दोस्तों व्यवहार तकनीकी की। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी ये कहता है कि बच्चे को आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ाएं, आप कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए कि आपने उसे गाइड कर दिया, आपने उसे बता दिया कि क्या करना है कैसे करना है, अब उस गाइडेंस के अनुसार बच्चा कर रहा है, चाहे वो हार्डवेयर के अप्रोच कर रहा है किसी चीज़ का, आप उसके साथ रहेंगे, उसको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करने देंगे, ठीक। तो वह अनुदेशन का मतलब इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन की बात की जाती है। अनुदेशन तकनीकी कक्षा या कक्षा के बाहर पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना या वर्णन किया जाता है। अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना। यह कार्य शिक्षक के अतिरिक्त अन्य साधनों तथा युक्तियों द्वारा भी पूरित किया जा सकता है। अनुदेशन तकनीकी हार्डवेयर उपागम पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत जैसे किसी भी टेप रिकॉर्डर मोबाइल की, तो आप अनुदेशन दे दें, सूचना दे दें और उसके बाद बच्चा उस कार्य को कर रहा है, सीख रहा है, इस प्रकार के तकनीकी का अनुदेशन तकनीकी कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे MM MacMurrin ने कहा है कि अनुदेशन तकनीकी शिक्षण और सीखने को संपूर्ण प्रक्रिया को विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार डिजाइन करने, चलाने तथा उसका मूल्यांकन करने का एक क्रमबद्ध तरीका है। यह शोध कार्य तथा मानवीय सीखने एवं आदान प्रदान पर आधारित है। इसे सीखने को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए मानवीय तथा अमानवीय साधनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब मानवीय इंसान और अमानवीय, मतलब ये सारी चीज़ों का, कंप्यूटर मोबाइल, ये मानव नहीं है, तो इन दोनों का प्रयोग। अनुदेशन का मतलब दोस्तों, शिक्षक के बगैर मौजूदगी में भी आपने किसी डिवाइस के माध्यम से बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दिया, बच्चे वहाँ से कर रहे हैं, बच्चे वहाँ से सीख रहे हैं, तो दिस विल बिकम अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शन ले, ठीक है। तो ये हो गई बात अनुदेशन तकनीकी की। लास्ट पॉइंट है, वो है शिक्षाचर तकनीकी, लेकिन उसके अनुसार यहाँ देख लेते हैं अनुदेशन तकनीकी का मतलब। आप अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चों, तो जो हर एक विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं और क्षमता के अनुसार सीखता है, जो तेज हो गए वो तेज सीखेंगे, जो कमज़ोर होंगे वो जो कम सीखेंगे। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी विद्यार्थी सीख सकता है। अनुदेशन तकनीकी द्वारा अधिगम के उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं, तो वो तो हर तकनीकी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इस तकनीकी द्वारा विषय सामग्री को विभिन्न तत्वों में बांटकर प्रत्येक भाग को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ एक साथ कई बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है। अनुदेशन के निरंतर प्रयोग से समुचित पुनर्बलन प्रदान किया जा सकता है। तो ये हो गई बात अनुदेशन तकनीकी की कुछ अवधारणाएं हैं। अगला दोस्तों जो पॉइंट है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है। अब से शैक्षिक तकनीकी का एक प्रकार तो है, लेकिन साथ ही साथ खुद में एक अलग यूनिट है, वो क्या है, शिक्षण तकनीकी। अभी तक जो आपने देखा था वो शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आपने मूल्यांकन देखा था, आपने फीडबैक देखा था, आपने हर एक चीज़ देखी थी पाठ्यवस्तु। शिक्षण तकनीकी स्पेशली बात करती है शिक्षण तकनीकी, मतलब पढ़ाने में जो तकनीकी इस्तेमाल करते हैं, केवल पढ़ाने की बात करें, जैसे क्लासरूम में मेन जो इंट्रैक्शन और क्लासरूम की पढ़ाई होती है ना, वो शिक्षण तकनीकी टीचिंग। आप अंतर समझने की कोशिश करिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था और टीचिंग टेक्नोलॉजी का मतलब केवल टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है भाई, टीचिंग के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में जब हम किसी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, तो शिक्षण एक सउद्देश्य प्रक्रिया है, या इसका मुख्य उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना, जो छात्र और शिक्षक के अंतःक्रिया द्वारा संपन्न होती है। अब शिक्षण तकनीकी में वो तमाम तरीके की तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण के मुख्य दो तत्व पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण है, आपका जो पाठ्य वस्तु है वो है, और कम्युनिकेशन है।
तकनीकी के अंतर्गत पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण दोनों तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है, अतः शिक्षण का आधार कला के साथ वैज्ञानिक भी है। शिक्षण तकनीकी शिक्षण के नवीन विधियों के प्रयोग पर बल देती है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावशाली बनाना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, शिक्षण तकनीकी किस पर, नवीन विधियों पर बल देती है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाना है, तो ये तमाम चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आती हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। अब टीचिंग टेक्नोलॉजी में आपने यहाँ पे देखा, इसका प्राकृतिक वैज्ञानिक है, ये आवश्यकताओं में सुधार किया जा सकता है, सीखा जा सकता है और अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। शिक्षण क्रियाओं द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। पृष्ठपोषण विधि फीडबैक द्वारा शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है और अपने टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तक बात होगी शिक्षण तकनीकी की। अब यहाँ से शिक्षण तकनीकी को हम और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अगला पॉइंट है, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ। फर्स्ट यूनिट के लिए आपके 3 सवाल यहाँ पे कंफर्म हो गए, पार्ट ए में 2 सवाल आपसे पूछ लेगा, चाहे शैक्षिक तकनीकी का अर्थ पूछे, शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा पूछे, या फिर शैक्षिक तकनीकी के कोई एक उपागम के बारे में पूछ ले, कठोर उपागम, कोमल उपागम, प्रणाली उपागम। तो ये 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट से एक सवाल, आप 2 सवाल आपको शॉर्ट में मिलेंगे। सेक्शन बी की बात करें दोस्तों, तो सेक्शन बी में एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। अब शैक्षिक तकनीकी का अर्थ परिभाषा के साथ उसके उपागम पूछ ले, या केवल उपागमों का अंतर पूछ ले, या उपागम के प्रकार पूछ ले, या शैक्षिक तकनीकी के प्रकार पूछ ले, कन्फर्म आपको यहाँ पे मिलने हैं। और आश्चर्य की बात नहीं, अगर यहीं से आपको एक सवाल लॉन्ग में भी मिल जाए कि शैक्षिक तकनीकी अर्थ परिभाषा प्रकार और उपागम को वर्णन करिए, तो यहाँ से मिल सकते हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप मत करिएगा, और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, सीख गए बहुत से, समझ गए, लिख लेंगे, काम खत्म। अब जो दूसरा हमारा पॉइंट स्टार्ट होता था शिक्षण तकनीकी, जहाँ से हमने इस वीडियो को समाप्त करा था, मतलब जहाँ से हमने अभी बंद किया था, अब उसी को स्टार्ट करते हुए आपका दूसरा यूनिट शुरू होता है। तो अब आइए ज़रा देखते हैं कि शिक्षण तकनीकी, जैसा मैंने बताया कि शिक्षण के तकनीकी में, मतलब शिक्षण तकनीकी 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण प्लस तकनीक, अतः अपने शिक्षण को, अपने एक टीचर जो है अपने टीचिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए और प्रभावशाली और अच्छा बनाने के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जितने भी तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करता है वो शैक्षिक शिक्षण तकनीकी कहलाता है, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताओं को देख लीजिए, शिक्षण की विशेषताओं, और उसके बाद से फिर हम चलेंगे अन्य पॉइंट के साथ। तो शिक्षण तकनीकी की विशेषताएँ क्या है भैया, आप एक अच्छा शिक्षण बनाएंगे तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो देखिए, शिक्षण जो है, शिक्षण वो सीखने का पथ प्रदर्शित होता है, इसमें दया सहानुभूति होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, सुझाव होना चाहिए, जनतंत्रीय होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, अनुभव के जो बालक का अनुभव है उसको भी आप शामिल करें, उसको मान्यता दें, उसका हरास ना करें। शिक्षक अनुभव को मान्यता देता है, प्रगतिशील होता है, कठिनाइयों का निदान करता है, उपचार पूर्ण होता है और आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आइए, मूल्यांकन करता है और विद्यार्थियों की रुचि मूल प्रवृत्ति का भी विकास करता है। तो ये हो गई बात शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी की विशेषता है। एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करिएगा, यहाँ पे आता है लेवल ऑफ टीचिंग, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछता है, कोई एक यहाँ पे पूछ देगा जरूर। लेवल ऑफ टीचिंग में 3 लेवल होते हैं, स्मृति लेवल, मतलब जहाँ पे रटने की बात की जाए, बोध लेवल, जहाँ पे समझने की बात, चिंतन स्तर, यहाँ पर चिंतन लॉजिक की बात की जाती है। अच्छा, इसमें सबसे उपयुक्त स्तर कौन सा है, सबसे प्रभावशाली स्तर कौन सा है, तो वो है चिंतन स्तर, ठीक है, जिसको हम रिफ्लेक्टरी लेवल कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि बहुत इंग्लिश में मुझे याद नहीं है। तो ये 3 स्तर है, 3 लेवल ऑफ टीचिंग है। आइए ज़रा शिक्षक के लेवल को देख लेते हैं। तो इसके 3 लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, दिया आई एम नॉट रॉन्ग एक्चुअली। तो ये 3 लेवल हैं दोस्तों टीचिंग के। अब लेवल में अगर आप थोड़ा सा तुलना करें तो जो स्मृति स्तर है उससे बेहतर होता है बोध स्तर, और उससे बेहतर होता है चिंतन स्तर, ठीक है। तो ये बॉटम वाइज ऐसे चलता जाता है। कैसे चलता जाता है, अगर हम स्मृति स्तर यहाँ पे आ जाते हैं, स्मृति स्तर पे यहाँ पे आते हैं, स्मृति स्तर मतलब मेमोरी लेवल की बात करें तो ये छोटे बच्चों को दी जाती है। इसमें इस बात पे बल नहीं दिया जाता कि बच्चा कितना समझता है, ये बच्चों के कंठस्थ करके रट लेने पे बल देता है, बच्चों को याद हो जाए, ये रट ले। जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको आप बहुत समझाने की कोशिश करेंगे तो, क्योंकि चीज़ें अमूर्त होती हैं, वो समझ नहीं पाते, धीरे धीरे वो रटते जाते हैं और वो इसके याद कर लेते हैं। तो ये जो लेवल है दोस्तों वो रटने पे बल देता है, इससे क्या होता है आपकी मेमोरी लेवल बढ़ती है, आप यहाँ पर रटने की बात की जाती है। तो ये हो गई बात स्मृति स्तर की।
हाँ भाई, दूसरा है दोस्तों, देखिए मैरिस एल बिग्गी ने कहा था, इस शिक्षण स्तर में प्रस्तुत तथ्य सामग्री को रट लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस बात हो रही है रटने की। स्मृति स्तर के शिक्षण के गुण देखिए, इसमें क्या है भैया, इस स्तर की शिक्षा छोटी कक्षाओं तथा छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोग होता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में बहुत सारी विषय वस्तु ऐसी होती हैं जिनको रटना आवश्यक है, जैसे गणित के नियम, रासायनिक सूत्र, शारीरिक संरचना संबंधित गणना नियम, ऐतिहासिक घटनाएं, समय चक्र। अब इसको कुछ और आप नहीं कह सकते, थोड़ा सा इसको रटना याद करना ही पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं स्मृति स्तर शिक्षण बोध एवं चिंतन स्तर के लिए शिक्षक। अब जब तक आपको कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी, आपका आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये एक आधार तैयार करता है आगे की जो दो स्तर हैं, जो स्तर हैं वो हैं बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो उसके आगे की पढ़ाई के लिए वो एक आधार तैयार करता है। स्मृति स्तर पर शिक्षण करते समय शिक्षक को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कुछ भी विषय में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कम से कम समय में अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। बच्चों को याद कराने की बात यहाँ पे की जाती है, स्मृति स्तर की बात की जाती है। दूसरा क्या है भाई, स्मृति शिक्षण के दोष भी होंगे, ये बहुत मानसिक पे तनाव डालता है, सभी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, बच्चे इसमें समझते नहीं हैं, समय भी ज़्यादा लगता है और असंतुलन बना रहता है। कुछ बच्चा जल्दी याद कर लेता है, कुछ किसी को याद ही नहीं होती, बच्चों की रुचि नहीं होती, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता, टीचर केंद्रित होता है या टीचर सेंटर्ड होता है। तो ये इसके दोष हो गए। ओके, बोध स्तर शिक्षण की बात कर लेते हैं। दूसरा लेवल है दोस्तों बोध अक्षर से स्तर, ठीक। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि बोध स्तर शिक्षण तभी होगा जब आपकी मेमोरी लेवल की शिक्षण व्यवस्था हो गई हो, जब आपने थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें याद हो गई हो। तो तुलना अगर हम करें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसमें बच्चा सीख समझना शुरू कर देता है कि हाँ चलो थोड़ा सा ये ऐसे है तो ऐसे समझना यहाँ पे शुरू। संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता, संपूर्ण रूप से नहीं सोच पाएगा लॉजिकल अमूर्त चीज़ों को, लेकिन हाँ यहाँ पे सोचना शुरू करता है। बोध स्तर शिक्षण की तुलना अधिक विचार युक्त माना जाता है, इसलिए इस शक्ति बौद्धिक क्षमता और स्मृति की अपेक्षा कुछ स्तर आवश्यकता होती है की अपेक्षा उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। बोध शिक्षण के क्षेत्र कई अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। तथ्यों को स्पष्ट एवं अनुभूति होना, मतलब समझ में आना, तथ्यों को गहनता से समझना, प्रकृति एवं स्वभाव से परिचित होना, अर्थ प्रतिक्षिकरण करना एवं विचारों को समझना, भाषा प्रयुक्त होने वाले अर्थ को समझना, ये तरीके। मतलब यहाँ पे बोध स्तर पे बच्चा थोड़ा बहुत सीखने लगता है, सिद्धांत कैसे निकले, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें समझने लगता है। तो यहाँ पे अगर इसके गुण दोष की बात करें तो बहुत ईजिली आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दोष भी होगा इसका, कुछ दोस्त इसको देख लेंगे, दोस्त इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो वो भी है बट समझने वाले पे आप लिख सकते हैं। अब आइए, यहाँ पे बच्चा सीखता तो है लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं सीख पाता है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ चीज़ें परिवर्तन में रह सकती हैं, ठीक। इसमें भी उसकी बहुत ज़्यादा रुचि, स्वाभाविक रुचि का तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इसका नहीं, इनकी रुचियों का ख्याल रखा जाता है। सबसे ज़्यादा इनकी रुचियों का ख्याल कहाँ रखा जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चा अपने मस्ती से कहाँ सीखता है, वो है लॉजिकल यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल पर, यानी कि चिंतन स्तर। अब यहाँ पे बच्चे का सारा पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, उसने मेमोरी लेवल भी क्रॉस कर लिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी क्रॉस कर लिया, अब आता है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर। इसमें बच्चा लॉजिक से सीखेगा, अपने चिंतन से सीखेगा, अपने दिमाग के आधार पर सीखेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आती है चिंतन स्तर की बात, लॉजिक लेवल की बात, ठीक। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, विशेषताओं के बारे में कुछ और समझ में आ जाएगा। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें चिंतन स्तर की विशेषताओं की, तो रिफ्लेक्टिव जब का शिक्षण छात्रों के समस्या समाधान की प्रकृति का विकास करता है, जिसे वो भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान के लिए तैयार हो सके। यह विद्यार्थी के आलोचनात्मक पक्ष का भी विकास करता है, अर्थात यह छात्र को यह समझने में सहायता करता है कि क्या सही है और क्यों सही है, और क्या गलत है तो क्यों गलत है, ठीक। इस तरीके का सोच यहाँ पर डेवलप होता है। यह छात्र के चिंतन शक्ति का विकास कर उनमें सृजनात्मकता तत्वों का विकास करता है, क्रिएटिव चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे हम एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, वो है शिक्षण विधियाँ, मतलब टीचिंग मेथड्स। बहुत सारे ऐसे शिक्षण विधियाँ हैं जिससे आपसे सवाल पूछ लेता है, ठीक। अब शिक्षण विधि क्या होती है, वह तरीका या विधि एक जिसकी सहायता से हम कोई काम शुरू करते हैं। तो शिक्षण तकनीकी टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, वह विधि जिसके तरीके से हम टीचिंग करेंगे, अपनी शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। तो शिक्षण विधि बहुत सारे पॉइंट हैं, जो प्रमुख पॉइंट हैं मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको यहाँ यहीं पे एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे। व्याख्यान विधि का मतलब क्या होता है, व्याख्यान विधि में क्लासरूम में टीचर आके लेक्चर देते हैं, बड़े क्लासरूम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पे लेक्चर के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से, भाषण के माध्यम से पढ़ाई जाती है, उसे हम कहते हैं व्याख्यान विधि, ठीक है।
प्रदर्शनी विधि, प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आप बच्चे को व्याख्यान के साथ साथ डेमो भी दिखाएंगे, मतलब चाहे आप मैप, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, नहीं आप पढ़ा रहे हैं मान फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाने के साथ साथ अगर आप बल्ब पढ़ा रहे हैं तो बल्ब दिखा रहे हैं, उसके अंदर के टंगस्टन दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उसको बता रहे हैं। अगर आप उसको जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो न केवल उसको पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, साथ ही साथ आप उसे मैप पे, ग्लोब पे उसे समझा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्रदर्शनी विधि। प्रश्नोत्तर विधि मतलब जहाँ पे बच्चे से आप क्वेश्चन आंसर करके पूछते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगमन और निगमन विधि, इसको हम देख लेंगे अभी। अगर आता है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि का मतलब दोस्तों जहाँ पे टीचर और बच्चे, टीचर की सहभागिता से, टीचर की हेल्प से बच्चे प्रोजेक्ट बना के सीखते हैं, तो इस तरीके कुछ विधियाँ हैं। अब व्याख्यान विधि के फायदे, एक साथ कई बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सीमित समय में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, शिक्षक की बचत होती है, तो ये हो गई। और इसकी दोष क्या होंगे, दोष मतलब कोई ठीक नहीं है कि सारा बच्चा सीख रहा है, ठीक है, योग्य टीचर चाहिए, और आप इसमें मतलब सही से आप बच्चों का फीडबैक नहीं ले सकते हैं, हो सकता है कोई बच्चा पीछे रहे, तो ये दोस्त को इसके दोष हो गए। इसी तरीके से लिखते हुए चलना है आपको, बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप एक बार पढ़ लेना। ये हो गई बात व्याख्यान विधि की, ठीक, व्याख्यान विधि ये रहा, ओके, मतलब वही बात है दोस्तों जहाँ पे लेक्चर देके बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगला था प्रदर्शनी विधि, प्रदर्शनी विधि में भी यही सब है कि डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो दिखाया, मैंने बढ़ाया तो है, इसी पर अलग अलग वीडियो बनाया है, बस एग्जाम टाइम पे बस रिवीजन में इतना देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर मतलब इसका बस सुकरात जी ने इसका प्रतिपादन किया था। इस विधि में छात्रों के चिंतन स्तर का विस्तार किया जाता है, यह छात्रों की पुनः स्मरण शक्ति का विकास करती है, इसके प्रयोग से कक्षा में अनुशासन रहता है, साथ ही साथ प्रकरण लेकर छात्रों की रुचि बढ़ाने का कार्य किया जाता है। हम बात कर लेते हैं आगमन और निगमन विधि की, ये बड़ा ही आसान सा सवाल, आगमन और निगमन विधि को ज़रा समझिए, ठीक है। आगमन विधि और निगमन विधि का मतलब क्या होता है भाई, आगमन विधि और निगमन विधि का मतलब होता है कि जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक, आप जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक मेथड होता है कि आप पहले बच्चे को आसान चीज़ें बताएं, आप बच्चे को पहले आसान चीज़ें पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी को कुछ पढ़ाना है तो पहले आपने उसको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देने के बाद आप उसको समझा दिए, समझाने के बाद आप उसको मेथड पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके की शिक्षण विधि आगमन से आगमन विधि कहलाती है। आगमन में पहले आप उदाहरण बता समझाते हैं, फिर आप उसको नियम बताते हैं। उसी के बिल्कुल विपरीत निगमन विधि में क्या होता है, पहले आप उसको नियम बताते हैं, नियम बताने के बाद उसको आप उदाहरण देकर समझाते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई आगमन और निगमन। आगमन आसान से मुश्किल की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलता है। निगमन विधि दोस्तों इसके विपरीत, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण, इस तरीके से चलता है। तो ये हो गई बात आगमन विधि की और ये हो गई बात निगमन विधि की। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, निष्कर्ष पे आ जाते हैं, निष्कर्ष के बाद फिर देखेंगे। तो शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड क्या है, वह साधन है जिसके उचित उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों के को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षा की नवीन आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थिति के समय शिक्षण के तरीके में बदलाव किया जाना बेहद आवश्यक है, परंतु समस्त शिक्षण विधियों का लाभ तभी है तब जब शिक्षक उसका प्रयोग अपनी कुशलता के अनुरूप करे। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया कि चाहे आप वर्तमान में दोस्तों नई शिक्षण नीति की या फिर नई शिक्षण विधि की बहुत आवश्यकता है बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन ये तभी कार्यरत है, ये तभी उपयोगी है जब शिक्षण दोस्तों कुशलतापूर्वक अच्छे से इसका इस्तेमाल करे, उपयोग करे। तो यहाँ तक बात हो गई दोस्तों, आपने क्या देखा, शैक्षिक तकनीकी अर्थ परिभाषा, शैक्षिक तकनीकी के उपागम या शैक्षिक तकनीकी आवश्यकताओं भी देखे थे आप कि उसकी क्या आवश्यकता है, क्या फ़ायदे हैं। इसके उपागम में आपने तीन उपागम देख लिया था, कठोर, कोमल और प्रणाली उपागम, ये आपने देख लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा शिक्षण तकनीकी के प्रकार देखा, जिसमें आपने देखा अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, ठीक है। अभी आपने फिर शिक्षण तकनीकी को समझा, शिक्षण तकनीकी को जाना, शिक्षण तकनीकी क्या होता है, शिक्षण तकनीकी क्यों बनाया जाता है, और साथ ही साथ आपने शिक्षण तकनीकी के बारे में यहाँ पे पढ़ा, कुछ शिक्षण विधियाँ आपने देखा, ठीक है। तो ये हो गई बात अभी तक के वीडियोस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गए। शिक्षण तकनीकी से भी आपसे सवाल पूछेगा, कन्फर्म पूछेगा। अब हम तीसरा पॉइंट जो देखेंगे, तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही आसान है, मज़ेदार है और सवाल आपसे पूछा जाता है। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। अच्छा, लाइक किए कि नहीं अभी तक वीडियो को, नहीं करेंगे मुझे पता है, कोई नहीं करेगा, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा प्लीज़ यार थोड़ा शेयर करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, अवध यूनिवर्सिटी के या बीएड के जो भी बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक बात हो गई शैक्षिक तकनीकी की।
जिस भी अगर आप किसी और ने विश्वविद्यालय से, तो ओ माई गॉड, आपका तो मोस्ट वेलकम है, आप तो मेहमान बन जाएंगे यहाँ पे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक होता है कम्युनिकेशन, जिसको हम अंग्रेजी में हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। शिक्षण प्रतिमान, जिसको टीचिंग मॉडल्स कहते हैं। एक आता है अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, अभिक्रमित प्रोग्राम लर्निंग जिसको कह लीजिए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल कह लीजिए, अभिक्रमित अनुदेशन को शायद यही कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो अब हम इन चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, आइए जरा वन बाय वन देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन बस इतना समझ लीजिए कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक, ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन में वास्तव में आप करते क्या है, आप टेक्नोलॉजी में मान लीजिए आप किसी को मेल लिख रहे हैं, किसी को कोई चीज़ फैक्स कर रहे हैं, या फिर आप उसको मैसेज कर रहे हैं, एक दूसरे का कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं आप, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो देखो, संप्रेषण सामान्य अर्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु विचार को भेजना होता है, किंतु इसके विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत समस्त भाव तथा विचार सम्मिलित किए जा सकते हैं, जिन्हें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, संप्रेषित करता है। यह एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से भाव विचारों का आदान प्रदान होता है। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी बात। अब आइए संप्रेषण के संचार तत्व, आप क्या आप चाहते हैं कि इसको एक्सप्लेन किया जाए संप्रेषण का। तो भैया संप्रेषण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है जिसके माध्यम से अपने भाव को, अपने विचारों को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, या फिर एक समूह दूसरे समूह तक पहुंचाता है। इसको पहुंचाने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए तमाम तरीके की विधियाँ हो सकती हैं, माध्यम हो सकता है, लिख के, मौखिक माध्यम, लिखित माध्यम, सांकेतिक माध्यम, तकनीकी माध्यम, इंटरनेट, ये तमाम चीज़ें। तो आप इसको एक्सप्लेन करते जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन का सिंपल सा जो बेसिक फंडा है वो यही है कि अपने आचार, अपने विचार और अपने भाव का आदान प्रदान करना। ओके, ठीक है, भाव मतलब क्या होता है, आपके मन में किसी कोई फीलिंग्स है किसी के लिए, तो ये भाव हो गया कि मेरा भाव है कि मैं उनके साथ बड़ा अच्छे से संबंध, तो आप इसके भावों को भी व्यक्त करना कर सकते, कोई जरूरी उसमें बोलने की जरूरत है, आप ऐसे तरीके से भी आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, क्या हम देख रहे थे इसके कुछ तत्व हैं भैया, संचार के कुछ तत्व हैं, क्या तत्व। अच्छा, कम्युनिकेशन में चार चीज़ें मुझे लगता है होनी चाहिए, होती हैं। पहला क्या है, पहला कि एक व्यक्ति जो संप्रेषण करना चाहता है, जो कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक, दूसरा वो जो कम्युनिकेशन रिसीव करना चाहता है, जो उसको सुनना चाहता है, जिसके पास वो पहुंचाना है, तीसरा वो माध्यम जिसके माध्यम से वो पहुंचा रहा है, चौथा वह वस्तु या फिर वह चीज़, वो मैसेज जो बच्चों को पहुंचा रहा है। तो चार चीज़ें, भेजने वाला, प्राप्त करने वाला, एक माध्यम, और जो संप्रेषण हो रहा है, वो चार चीज़ें इसके अंतर्गत है। तो पहला है भैया सोर्स, संप्रेषक, यह विचार प्रेषित करने वाला होता है आज के युग में वैज्ञानिक में, अतः इसमें यह आवश्यक नहीं है कि प्रेषक व्यक्ति ही हो, कुछ भी हो सकता है, संप्रेषण पत्र, पत्रिका अथवा मशीन किसी, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक, संप्रेषक यहाँ पे बात हो गई। दूसरा मैसेज, संदेश जो आपको देना है कि क्या, यह शाब्दिक तथा अशाब्दिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कक्षा में छात्र को अध्यापन का बैठ जाओ, यह कहकर भी बैठा दिया और आपने केवल कह दिया कि ओए बैठो, ठीक है। अब मैं एक संप्रेषण कर रहा हूँ जो कि संदेश होगा वो अशाब्दिक होगा, मैं आपसे कहूँगा कि मतलब वीडियो को लाइक कर देना, एक यूट्यूबर की ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो जाती है, वीडियो को लाइक करते रहना, कर दो यार जाने दो बच्चे को। हाँ, तो मतलब ये भी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकती है। ओके, चलिए तीसरा क्या है भाई, तीसरा है संप्रेषण का माध्यम, जिस माध्यम से किया जा रहा है, लिख के माध्यम से, बोल के, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, तो ये क्या है भाई, एक माध्यम हो गया जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। चौथा है जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो ये चार तत्व हो गए, ये चार चरण हो गए जिसके अंतर्गत कम्युनिकेशन चलता है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। अनौपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण का मतलब दर्द हो यार यहाँ पे सीने पे, चलिए अनौपचारिक संप्रेषण का मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए आप अपने अपने घर पे, या फिर आप मान लीजिए अपने घर पे आज नहीं आने वाले हैं, आपने फ़ोन किया, हेलो भैया या भाभी या मम्मी या पापा, आज मैं घर पे नहीं आऊँगा, ठीक है, नहीं आओगे, कई बार कहाँ हो, यहाँ हो, मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, यही काम अगर आप मान लीजिए स्कूल में करना, आप स्कूल में जा रहे हैं और आप नहीं आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, फ़ोन, हेलो प्रिंसिपल मैडम, आज मैं स्कूल नहीं आऊँगा, तो मैडम क्या करेंगी, कहेंगी ये क्या तरीका हुआ। तो स्कूल में अगर आपको कोई छुट्टी लेनी हो, या स्कूल में आप नहीं आते हैं, ऑफिस में नहीं आते हैं, या फिर स्कूल में कोई बात कहनी हो, इस ऑफिस में कुछ बात, तो एक फॉर्मल तरीका होता है, एक औपचारिक तरीका होता है, ठीक है, तो उस औपचारिक तरीके से आप उससे बात करेंगे, तो ये बात हो गई फॉर्मल यानी कि औपचारिक। और नॉर्मल कैजुअली जो बात करते हैं, जिसमें कोई नियम या कोई तथ्य की जरूरत नहीं होती है, मतलब कैजुअल जिसको इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, वो हो गई अनौपचारिक संप्रेषण।
एक तरफा वन वे संप्रेषण का मतलब, वन वे संप्रेषण का मतलब जैसे कि सर कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ, अब बच्चा ये थोड़ा पूछेगा क्यों खड़े हो जाओ, वो ये तो, वो तो सिंपली खड़ा हो जाएगा ना। तो इस तरीके का संप्रेषण क्या है, वन वे। टू वे में संप्रेषण मतलब जब बच्चा खड़ा हो गया तो हम उससे बात करके पूछ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, तो टू वे संप्रेषण हो गया। अंतर व्यक्तिक संप्रेषण और अंतर व्यक्तिक संप्रेषण, ये क्या है, एक ही चीज़ देखिए, अंत और अंतर, अभी देखेंगे इसको। शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक, जहाँ पे शब्दों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है शाब्दिक, जहाँ शब्दों के माध्यम से संप्रेषण नहीं किया जाता है अशाब्दिक, इन दोनों की बात हुई, इन दोनों का भी यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए पहला दोस्तों औपचारिक देख लीजिए। औपचारिक का मतलब जब एक समूह किसी समूह में को किसी भी बात करने की आज़ादी हो। अब मान लीजिए बच्चों की छुट्टी हो गई, स्कूल से बच्चे निकल गए, क्लासरूम से बाहर आ गए, तो वो बैठ के बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं है ना कि बैठ के बात करेंगे, सुनिए ये वो फलाने वाला, लेटर लिख के बात करें टू द प्रिंसिपल या टू द माई क्लासमेट्स, ऐसा नहीं। तो वो अनौपचारिक मतलब जहाँ पे बात करने की आज़ादी हो, ठीक है, तो यहाँ पे संप्रेषित आती है। उदाहरण देख लीजिए, जब स्कूल में अवकाश होता है सभी बच्चे आज़ाद होते हैं, अतः वे आपस में किसी तरह की बात। अनौपचारिक का मतलब, अनौपचारिक मतलब जब बात करने का एक तरीका हो, एक विधित हो, वैज्ञानिक हो, जैसे किसी ऑफिस में जब कोई जूनियर सीनियर से बात करे, ओके, जूनियर सीनियर से बात करे, हाँ उसके सामने, बाकी तब तो चलो। एक वन वे और टू वे में आपने देखा, उदाहरण देखती है, उदाहरण समझ, जब कक्षा में अध्यापक बच्चों को बोला कि वो खड़े हो जाएं तो बच्चे खड़े हो जाएं, ये वन वे संप्रेषण हुआ। और टू वे में उदाहरण, जब अध्यापक ने बच्चे से प्रश्न करता है उसका उत्तर देते हैं, तो ये टू वे संप्रेषण हो गया। ये जो दो पॉइंट हमें भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, अंतः व्यक्ति संप्रेषण, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है तो वो अंतः व्यक्ति, ओहो, जब हम मन से संप्रेषण कर रहे हो, वाह, अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है तो वह अंतर व्यक्ति मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बातचीत होती है, अर्थात जब हम दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं तो वह संप्रेषण अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कहलाता है। बात समझ में आ गई भाई, बहुत अच्छी बात है, समझ से चलिए, पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, कर दो यार, कर दो, क्या सोच रहे हो, कर दो भाई लाइक, इतना तो मैंने कसम से जीवन में पहली बार किसी वीडियो में मैं कह रहा हूँ कितना लाइक कर दो। ये तो आपका अनुभव भी रहा होगा, पर पता नहीं कि वैसे मेरा मन कर रहा है, मेरा मन ऐसे एक्चुअली ना, ये आपका थर्ड पेपर है, ठीक है, इसके बाद दो पेपर होंगे, आप लोग तो चले जाओगे, फिर मुझे पूछोगे नहीं, तो कम से कम इसी बहाने हम खुश हुआ करेंगे कि चलो बच्चों को पसंद आया। शाब्दिक संप्रेषण जहाँ पे शब्दों या भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, अशाब्दिक जहाँ पे इशारों, चिन्हों, कूटनीति, भाषाओं के बातचीत द्वारा संप्रेषण किया जाता है। तो ये हो गई भाई अशाब्दिक संप्रेषण। तो कम्युनिकेशन देख लिया आपने, कम्युनिकेशन के प्रकार देख लिए, कम्युनिकेशन के तत्व देख लिए, देख लिया ना, एक सवाल के लिए तैयार रहिए। अब आइए, एक सवाल पूछता है कि शिक्षा में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, भैया क्या रोल है शिक्षा में कंप्यूटर का। तो ये वो टॉपिक है जिसको आप अपने तरीके से लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट देके हेल्प कर देता हूँ, तो शायद वो आपको कुछ हेल्प कर दे पॉइंट। तो पहला, विद्यार्थी का वर्गीकरण कर सकता है, बच्चे को उनकी क्षमताओं मूल्यांकन के साथ बता सकता है कि बच्चे का रिजल्ट कैसा आया, बच्चे कौन किस क्लास में है, उनके अटेंडेंस के लिए, उनके इवैल्यूएशन के लिए, उनके एग्जाम में पेपर बयान आने के लिए, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर काम कर सकते हैं विद्यार्थी के, समय तालिका टाइम टेबल बनाने के लिए, ठीक है। अधिगम संसाधनों का नियत करना, उनका उपयोग करना, प्रगति पत्र की व्यवस्था करना, मतलब भाई रिपोर्ट जारी करना, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर का काम है। ये कंप्यूटर एक आसान पहुंच है भाई, जिसके माध्यम से बच्चे के पास आसानी से कोई चीज़ें पहुँच सकती हैं। अब रिजल्ट आ गया, घर बैठे हमने चेक कर लिया, ठीक, तो ये आसान पहुँच है। प्रत्यक्ष अंतःक्रिया है दोस्तों, कंप्यूटर विद्यार्थी और विषय वस्तु के बीच प्रत्यक्ष अंतःक्रिया है, एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं। ट्यूटोरियल एवं संवाद, आसानी से बच्चों को सिखाया जाता है, कंप्यूटर से घर के बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सवाल आपसे पूछ सकते हैं भाई, कंप्यूटर का इस्तेमाल पूछ सकते हैं आप, इजीली आप फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं, मॉक टेस्ट देना इसी का अंतर्गत आता है, समस्या समाधान एवं रचनात्मक क्रिएटिविटी प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं, और आप बच्चों को दोबारा भी पढ़ा सकते हैं, मान लीजिए इसी वीडियो को अगर आपको दोबारा देखना हो तो रिवाइज करने के लिए भी आसानी होता है कंप्यूटर। तो आप इसको जितने भी टॉपिक आए आप उसको लिखते जाइए, कंप्यूटर का सिस्टम इस्तेमाल पूछा जाता है। अब आ गया अभिक्रमित अनुदेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर आप कोई शिक्षण विधि, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो अभिक्रमित अनुदेशन ये कहता है ना कि आप उसको छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दीजिए, एक श्रृंखला में विभाजित कर दीजिए, उसके बाद बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है, मान लीजिए आप उसको बच्चे को मल्टीप्लाई पढ़ाना है, तो आप उसको पहले प्लस माइनस सिखाएंगे, उसको सम सिखाएंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, और वो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ आपको पढ़ाना हो तो आप उसको छोटे छोटे क्रम में विभाजित कर दीजिए। अभिक्रमित अनुदेशन शैक्षिक सामग्री के छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करने की प्रक्रिया है।
जिसके सहारे अधिगम करता जहाँ तक जानता है या ज्ञात है उसके आगे ज्ञान एवं नवीन ज्ञान को सीख सके। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण अधिगम की एक विधि है जिसमें अधिगम के स्रोत साधनों एवं सामग्री को नियोजित और संगठित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है कि अधिगमकर्ता शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। कहने का मतलब जो भी आपके पास शिक्षा सामग्री है, शिक्षण विधि है, शिक्षा तकनीक है, उसको छोटे छोटे क्रमों में विभाजित करके एक सिस्टमेटिक बना देना कि बच्चा जो जानता है वहाँ से धीरे धीरे करके आगे सीखता हुआ चले जाए। परिभाषा देख लीजिए कौन किए हैं, डॉक्टर डी एल के अनुसार अभिक्रमित अधिगम शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है। स्टॉफेल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे अंश को एकत्रित क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम, इसी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अभिक्रमित अध्ययन के बारे में अनुदेशन पर। चलिए इसके कुछ प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, क्या है भाई। हाँ, ये प्रकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर देखिएगा। रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा ब्रांच, ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रांचिंग वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं या फिर प्रोग्रामिंग आप क्या इंस्ट्रक्ट। हाँ, ये पहले दोस्तों रेखीय, दूसरा प्रोग्रामिंग, तीसरा मैट्रिक्स अथवा आरोही, नियम उदाहरण अभिक्रमित, कंप्यूटर CAP मतलब कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम। ठीक है, और अधिगमकर्ता नहीं, तो ये सारे प्रकार। इसमें प्रकारों में कोई एक प्रकार आपसे पूछ सकता है। मुझे लगता है कि ब्रांचिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर रेखीय इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इन दोनों को हम यहाँ पे देख लेंगे। चलिए आइए ज़रा इन केवल इन्हीं दो को देखेंगे। रेखीय में जैसे आपने सुना ना कि क्रम में निश्चित रेखीय क्रम में रखना, तो आप इसको जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं ना, तो कुछ निश्चित क्रम में कि आप इसके बाद ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे, इस तरीके का क्रम रेखीय क्रम है। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस क्रम में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़िए, कुछ भी पढ़ते चलिए, लास्ट में आपको जो आउटपुट है वो आना चाहिए। तो रेखीय अभिकरण देखिए, रेखीय अभिकरण के प्रतिपादक B.F. स्किनर 1955 थे। यह प्रोग्रामिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है जिसके अनुसार मानव व्यवहार को एक निश्चित दिशा दिया जा सकता है तथा इच्छित व्यवहार सिखाया जा सकता है। इस हेतु मानव के मार्ग में आने वाली क्रियाओं को छोटे छोटे सार्थक भागों में विश्लेषित करना होता है। इन भागों का सहारा लेकर प्रत्येक पद पर पुनर्बनल देकर छात्र को वांछित व्यवहार सिखाया जा सकता है। वास्तव में रेखीय प्रोग्रामिंग वह प्रोग्रामिंग है जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये हो गई बात रेखीय अभिकरण की, ये B.F. स्किनर ने दिया था। शाखीय ब्रांचिंग की बात करें तो शाखीय प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक निर्मल एक क्राउडर थे। नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर जो लोग आगे MET की एंट्रेंस एग्जाम देना। क्राउडर थे, इनमें प्रभावशाली शिक्षण के अनेक सिद्धांतों का प्रयोग किया। इसमें समस्त अनुक्रियाएं छात्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसमें आंतरिक इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार अभिक्रम को ब्रांचिंग अभिकरण इसलिए कहा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी छात्र रेखीय अभिकरण की भांति एक पद से दूसरे पद तक बढ़ने के लिए एक ही पद नहीं अपनाते, वरन अपने उत्तरों पर आधारित अलग अलग शाखीय रास्ते अपनाते हुए अंतिम पद तक पहुँचते हैं। इनमें सभी पदों को प्रस्तुत करने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, इनमें अनुक्रिया पर नियंत्रित छात्र द्वारा होता है, अतः छात्र अपनी योग्यता के अनुसार सीखते हैं। देखो ये चीज़ें कब मजे आएंगी ना, जब आप प्रैक्टिकली तौर पे क्लासरूम के अंदर सीखेंगे या फिर MED में इस चीज़ को बड़ा एक्सप्लेन किया जाता है। तो अभी तक बस इतना ही समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ क्योंकि मुझे भी इसका बहुत डीप नॉलेज नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मतलब थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ बता दूँ कि जब शिक्षण प्रक्रिया में आप एक रेखीय में जाते हैं, एक पद के बाद दूसरा पद, तीसरा पद, ये फिक्स जब चीज़ें होती हैं तो वो रेखीय कहलाती हैं। जब ये चीज़ें फिक्स नहीं होती, आप किसी तरीके से जाइए लेकिन प्रथम पद और अंतिम पद आपका फिक्स होता है कि बच्चे का ये सिखाना है, किसी भी मेथड से सिखाइए, तो वो होता है दोस्तों ब्रांचिंग यानी कि शाखीय। यहाँ दोनों आप दो पॉइंट याद रखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ जाइए, फिर इसको वीडियो को आई थिंक समाप्त करेंगे। अच्छा बताते चलिए कैसा लग रहा है वीडियो, मज़ा आया कि नहीं अभी तक। मैं PDF जरूर भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अगर आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए तो ईमेल आईडी भेज दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए वहाँ पे भेज दूंगा। क्या क्या करूँ मैं आपके लिए बताइए, क्या करूँ मैं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। नहीं वो बात नहीं है, फीलिंग्स है बिल्कुल है, लेकिन आपका भला हो भाई, आपको भला हो। आपको खुद पता है दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके कितने टीचर्स हैं जो कॉलेज के, जहाँ पे आपने 50,000 रुपये दिए हैं, कितने सीरियस हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए,
मैं देखो मैं सुबह उठ के शुभकामनाएं भेजता हूँ, उधर से आने के बाद पूछता हूँ पेपर कैसा हुआ, कितने पेजेस लिखे, 5 साल के क्वेश्चन पेपर कराता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है वो कराता हूँ, मैराथन कराता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। बस एक मकसद है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है कि चलो मेरे छोटे भाई या छोटी बहन जो अभी एग्ज़ाम देने जा रही हैं वो एग्ज़ाम अच्छे से देख कर आएँ। तो बीएड के बाद चाहे आपको कुछ और याद ना रहे या ना रहे, शायद ये चेहरा जरूर याद रहेगा। चलो भाई इमोशनल मत करो, मुझे आगे पढ़ो। शिक्षण प्रतिमान का मतलब समझिए, मतलब समझिए मॉडल। अच्छा, हर एक इंसान का ना रोल मॉडल होता है, कि कोई व्यक्ति किसी को फॉलो करता है, कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है, ठीक है। आपके अनुसार भी कोई ऐसा मॉडल होगा जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक दार्शनिक व्यक्ति है, एक आदर्श व्यक्ति है, जिसको एक मॉडल बनाया जा सकता है, जिसके जीने के तरीके पर जिया जा सकता है। तो ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूँ आदर्शवाद, चूँकि आदर्शवाद क्या होता है, एक थॉट है, एक दार्शनिक विचार है कि दुनिया का निर्माण ऐसे हुआ, तो ये एक बात है। ठीक वैसे ही मॉडल्स में ना जो पुराने शिक्षा शास्त्री रहे हैं उन्होंने कुछ टीचिंग मॉडल्स बताए हैं कि मतलब शिक्षण को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, आदर्श मॉडल है। अब अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहा हो, तो टीचिंग मॉडल वास्तव में क्या है कि जो पुराने शिक्षावादी थे उन्होंने कुछ मॉडल दिए हैं, तो उसी हम कहते हैं। अब मॉडल यहाँ पे देखिए, मॉडल की अगर बात करें, शिक्षण प्रतिमान की बात करें, तो शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न विधियों, प्रविधियों, योजनाओं तथा स्वरूपों का प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें हम शिक्षण प्रतिमान कहते हैं, ठीक है, शिक्षण मॉडल कहते हैं। तो शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने के हेतु विभिन्न विधियाँ, प्रविधियाँ, योजना और स्वरूप प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब अगर इसके अर्थ की बात करें दोस्तों, तो एक मॉडल को आप कई रूप में देख सकते हैं। देखिए मॉडल अथवा प्रतिमान शब्द समानता 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। कौन सा? पहला है कि जब कोई व्यक्ति समाज या किसी महापुरुष द्वारा बताए गए आदर्शों को जीवन में उतारता है, तब कहा जाता है कि यह व्यक्ति एक अच्छे मनुष्य का प्रतिमान है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई व्यक्ति की बात, ठीक, कि हम अपने जीवन में किसी आदर्श व्यक्ति के तरह जी रहे हैं, तो वो उसके मॉडल पर हम जी रहे हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब किसी, एक और चीज़ होता है मॉडल का मतलब नमूना होता है। जैसे मान लीजिए आपको पूरा घर बनाना हो, तो पूरा घर नहीं बनाएंगे आप, एक छोटा सा मॉडल बना के दिखा देंगे कि हम इस तरीके से बनाएंगे, तो इन एक दूसरे अर्थ में ये भी प्रयोग किया जाता है। जब किसी बड़ी वस्तु का छोटा नमूना नकल करके प्रस्तुत किया जाता है, जैसे मशीन का प्रतिमान, मकान का प्रतिमान, तो इसको भी हम प्रतिमान कहते हैं। तो ये 2 बातें प्रतिमान की हुई। अब जो अगला पॉइंट है ना, वो आपके शैक्षिक प्रतिमान की बात करेगा। तीसरे अर्थ में प्रतिमान शब्द का अर्थ है अधिक कोमल और सूक्ष्म रूप से प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें 3 बात निहित होती हैं। पहला, क्रियाओं की संरचना, किस तरीके से आपको करना है, ठीक, पहचान करने वाला केंद्र अथवा लक्ष्य, तथा ऐसा ढांचा जिसके आधार पर क्रियाओं और लक्ष्यों की व्याख्या अथवा विश्लेषण किया जा सके। तो ये एक तीसरा मेथड है। इस अर्थ को जब शिक्षण के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले तो शिक्षण प्रतिमान की ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, ये परिभाषा आप बता सकते हैं जो कि आपको बताया कि शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न विधियों, प्रविधियों, स्वरूपों का प्रयोग में लाया जाना, ये शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। और उसके बाद आप यहाँ पे ये वाला आप लिख सकते हैं, वो क्या था दोस्तों, वो आपका ये था, एक सेकंड, यहाँ कि प्रतिमान शब्द का अधिक कोमल और सूक्ष्म रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 बातें निहित होती हैं, क्रियाओं की संरचना, क्रिया, दूसरा पहचान करने वाला केंद्र अथवा लक्ष्य, और दूसरा ऐसा ढांचा जिसके आधार पर ये क्रियाएँ और लक्ष्य हो। तो इसी चीज़ का शिक्षा में प्रयोग, कि शिक्षण की संरचना बनाना, शिक्षण के केंद्र, शिक्षण के लक्ष्य का निर्धारण करना, शिक्षण के लिए एक ढांचा, आधार तैयार करना जिसके लिए आप लक्ष्य को व्याख्या कर सकते, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते, यही सारी चीज़ों का उपयोग शिक्षा में शिक्षा प्रतिमान कहलाता है, शिक्षण मॉडल कहलाता है। अब आइए यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी हर एक चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण प्रतिमान के विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा है, किसी विशेष आदर्श या प्रारूप के अनुसार व्यवहार तथा क्रिया करने को रूप देने की प्रक्रिया को प्रतिमान कहलाती है। शिक्षण प्रतिमान सिद्धांत का सर्वोच्च प्रतिस्थापन है। शिक्षण प्रतिमान बताते हैं कि किस प्रकार अधिगम तथा शिक्षण परिस्थिति परस्पर संबंधित है। बात वही है, ये क्या है भाई, हमें बताता है, हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमें शिक्षण करना है। शिक्षण प्रतिमान की अवधारणाओं से पहले मुझे लगता है कि शिक्षण प्रतिमान के प्रकार के बारे में जानना पड़ेगा। पहला है दोस्तों ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। ऐतिहासिक मतलब जो ऐतिहासिक में इतिहास के जो शिक्षावादी थे उन्होंने कुछ मॉडल्स दिए। हम सबको नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पे, हम सबको नहीं देख पाएंगे, हम पॉइंट को समझते हुए चल रहे हैं। अगर आपसे सवाल शिक्षण प्रतिमान के बारे में पूछता है तो अर्थ परिभाषा लिखिए और 2-4 यहाँ पे डाल दीजिएगा, किसी एक प्रकार को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 2 को हम यहीं पर करेंगे। शिक्षण प्रतिमान की बात करें तो डिस्को ने पारंपरिक शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत शिक्षण प्रतिमान के संबंध में स्थापित ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान की विवेचना करी। किसने करी थी दोस्तों? डिस्को ने की थी।
जिसमें पहला है दोस्तों सुकरात का शिक्षण प्रतिमान। सुक्रेटिस ने क्या कहा था, सुकरात जी ने कहा था दोस्तों कि जो बालक के अंतर्हित ज्ञान को बाहर लाने हेतु प्रश्न का सहारा लिया जाए, उन्होंने कहा था प्रश्न विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से। प्रश्नोत्तर विधि शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतः क्रिया का अवसर प्रदान करती है। इस विधि द्वारा उच्च स्तरीय कौशल का विकास नहीं किया जा सकता। सुकरात ने इस विधि के द्वारा उच्च स्तरीय कौशल निकाल किया जाता। शिक्षण प्रतिमान के स्वरूप में हमें फ्लैंडर अंतः क्रिया का शिक्षण प्रतिमान को भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब है दोस्तों सुकरात जो थे वो किसकी बात करते हैं, वो प्रश्नोत्तर विधि की बात करते थे। तो ये पहला हमारा मॉडल हो गया कि आप क्वेश्चन आंसर मेथड से बात करेंगे, पहला मॉडल जिसको सुकरात ने दिया था, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आया, ऐतिहासिक के अंतर्गत। दूसरा परंपरागत की बात करें, मानवीय शिक्षण की विधि की बात करें, तो इसके प्रतिपादक कौन थे, ज्यूसिट थे। यह औपचारिक विद्यालय शिक्षण व्यवस्था जिसमें अध्यापक द्वारा शिक्षण सामग्री की विधि की व्यवस्था करके प्रभावशाली और दूसरे पढ़े विकसित किया जाए। तो इन्होंने कहा था कि जो स्कूली सिस्टम है तुम्हारा, जो हमारा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है, उसी को मॉडल बनाया जाए, उसी को रखा जाए। तो इस तरीके से तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें दी। ग आता है व्यक्तिगत विकास व्यवस्था प्रगतिमान, मतलब इसमें आपको इंडिविजुअल देखना है। इस शिक्षण प्रतिमान का विकास अमेरिका में हुआ, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत विकास को महत्व दिया है, कुंबस और सिगेन ने इसका किया था विस्तृत उत्पादन के था। इसके अनुसार विद्यालय इस प्रकार शैक्षिक वातावरण उपस्थित किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक छात्र समाज के उत्तरदायित्व तो बन सके। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, इसमें ये कहता है कि बच्चों का व्यक्तिगत विकास हो, और सुकरात ने कहा था कि प्रश्नोत्तर विधि हो, और उसके बाद जो सेकेंड वाला था हमारा परंपरागत मानवीय शिक्षण विधि, वो कहता है कि स्कूली जो शिक्षण विधि है वो उस तरीके से आपका टीचिंग मॉडल होना चाहिए। तो बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दी, ठीक है। एक और अगर आप देखेंगे तो एक टाइप है अध्यापक शिक्षक के लिए प्रतिमान, ठीक। तो तमाम तरीके के मॉडल हैं दोस्तों, ताबा का शिक्षण मॉडल, टर्नर का टीचिंग मॉडल्स, शिक्षक अभिविन्यास, द मॉडल वेरिएशन टीचर ओरिएंटेड, फॉक्स लिपिड शिक्षण प्रतिमान, द फेडो राज्य विश्वविद्यालय प्रतिमान। तो ये तमाम प्रकार हैं, अब हम सबको नहीं देख पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको एमएड में देखने को मिलेगी। एक और प्रकार है दोस्तों मॉडल की बात करें, फॉमस और बेकर का प्रतिमान, सामान्य शिक्षण प्रतिमान और तार्किक शिक्षण प्रतिमान, ये सारी चीज़ें हैं। एक और पॉइंट देख लेंगे फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे, वो ये है दोस्तों शिक्षण प्रतिमान की अवधारणाएं, ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों के रुचि का उपयोग करना होगा, इसमें शिक्षण सामग्री द्वारा छात्र के वांछनीय अनुभव प्रदान करना होता, अध्यापकों की व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित होता है, समस्याओं का निराकरण होता है, मतलब उनको आप सॉल्व करते हैं, शिक्षण कला के साथ साथ विज्ञान भी है, शिक्षण प्रतिमान इस पर जोर देता है, या शिक्षकों से संबंधित मौलिक प्रश्नों का उत्तर देता है, इसका व्यवहारिक रूप शिक्षण से। ये टोटल हो गई बात शैक्षिक प्रतिमान के अवधारणाओं के बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें आप समझिए, मुझे इतना भरोसा है, अगर आप सच में अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, मुझे इतना भरोसा है कल का आपका पेपर कुछ छूटेगा नहीं, और इससे संबंधित आप डेफिनेटली लिख के आएंगे। आप क्वेश्चन मत छोड़िएगा, लिख के आइएगा, हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आइएगा। याद अगर नहीं हो, याद हो भी नहीं पाएगा, लेकिन जो समझे हैं उस आधार पर आप प्रश्नों के आंसर बना सकते हैं, कन्फर्म आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना, वो बिल्कुल हलवा सवाल पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर बनता है ना, जो जिस लाइट उसका क्या इस्तेमाल है, या सीसीटीवी का क्या इस्तेमाल है, इंटरनेट कैसे सहायक है, तो कितना आसान था, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। बाकी ये पूरी वीडियोज़ की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, और आप उसको देख लीजिएगा, इसके बाहर का कुछ सवाल नहीं आने वाला है। मस्त पेपर दे के आइए, लिख के आइए। एक और वीडियो जिसमें पिछले 5 सालों के हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखा था, याद है ना आपको, तो उसको भी देख लीजिएगा, उसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। बाकी लॉन्ग और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के लिए तो ये काफ़ी है, जो समझ गए ना आप लिख के आ जाएंगे। तो एक और चीज़ ये है कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों को शेयर करिए, जोड़िए, और जो भी बच्चे हैं आगे, अगर आप किसी अन्य विश्वविद्यालय से हैं तो एक बार हमें बताइएगा ज़रूर। बाकी आप अवध विश्वविद्यालय से हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। मुझे अच्छा लगा ये पढ़ा के। 3 पेपर हमने करा दी दोस्तों, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। आपका अभी तक का अनुभव कैसा रहा वो सब बताइएगा हमें, बड़ी अच्छा लगेगा हमें, आपके कमेंट पढ़ते बड़ा अच्छा लगता है। लाइक वाइक कर दिया करिएगा वीडियो को, क्योंकि यही तो सहारा है, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी कैसी लगी पूरी वीडियो आप हमें कमेंट बता दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, अन्य जानकारी के साथ। खूब ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।